हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडनॉमिक्स बाय हर्ष दीक्षित। सो मार्केट बाउंस बैक, बहुत अच्छा बाउंस बैक हो गया। ऑलमोस्ट 300+, यस ऑलमोस्ट 300, क्या 400 पॉइंट्स का बाउंस बैक हो गया मार्केट में। निफ्टी में क्या लग रहा है? तो क्या करेक्शन खत्म हो गया? क्या मार्केट में शटम वटम बना है? क्या यहाँ से बाउंस बैक करेगा या और मार्केट नीचे जा सकता है? सो आई एम गोइंग टू डिस्कस निफ्टी, बैंक निफ्टी, कपल ऑफ सेक्टर्स डिस्कस करूंगा, स्टॉक्स भी ट्राई करूंगा डिस्कस करने का। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। वॉच टिल एंड। इफ यू आर न्यू, इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पे। एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर लाइव मार्केट अपडेट। लाइव मार्केट में मैं बहुत सारे अपडेट्स देता हूँ, मैं चार्ट्स डालता हूँ बहुत सारे। ये मेरा हैंडल है @TrendonomicsHD, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। और हाईलाइट सेक्शन में अगर जाओगे तो आपको इलियट वेव का कंप्लीट बुक मिलेगा। ये फ्री है बुक, कोई भी चार्ज नहीं है, कंप्लीट बुक आपको मिलेगा ये लिंक पे रजिस्टर करके। और सेकंड लिंक जो है हाईलाइट सेक्शन में, वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का। सो ज्वाइन ज्वाइन इट। सो लेट्स डिस्कस क्या लगता है मार्केट, क्या लगता है? तो क्या मार्केट का शॉर्ट टर्म बॉटम आज बना है? क्योंकि अच्छा खासा बाउंस बैक आ गया न्यूज़ के बाद भी। अभी वो न्यूज़ क्या थी वो कुछ क्लैरिटी नहीं है। कोई बोल रहा है अटैक हुआ, कोई बोल रहा है नहीं हुआ। सो प्राइस ने तो, मार्केट ने तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है आज होल्ड की है, राइट। ओवरसोल्ड जोन में गया था, ऑब्वियसली मार्केट वाज इन ओवरसोल्ड जोन। तो क्या अब मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा? क्या करेक्शन कंप्लीट हो गया? हाँ, तो करेक्शन तो कंप्लीट नहीं हुआ। ओके, व्हाट इज द वेव काउंट? दिस इज 1, 2, 3 और 4। तो क्या फोर्थ? ओके, पहले हम फर्स्ट, हमारा इनिशियल वेव काउंट तो यही था, यहाँ पे 3 ले रहे थे, फिर इसको ए गिन रहे थे, फिर ये बी, या दिस कैन बी बी, क्योंकि ये दिस इज नॉट एन इम्पल्स। ये जो रैली आई है वो इम्पल्स में रैली नहीं आई है, वो करेक्टिव ही रैली आई है। सो नाउ आई हैव टू अल्टरनेट्स के, यहाँ पे जो हम पहले टॉप गिन रहे थे, सो ए बी एंड सी। तो क्या ए बी सी कंप्लीट हुआ? नो, आई डोंट थिंक सो। ए बी सी कंप्लीट हुआ है इवन इफ वी टेक दिस वेव काउंट। वी स्टिल हैव अ पेंडिंग डाउन साइड प्रोबेबिलिटी वॉज टूवर्ड्स 21,300 मे बी, यस। ओके, हम कब मानेंगे कि बॉटम बन गया, मार्केट ऊपर जाएगा? तो बेसिकली ये जो हाई है, कल का जो हाई है, अगर उसके ऊपर वीकली उसके ऊपर क्लोजिंग आती है अच्छी खासी, तो शायद हम एक बार सोचेंगे कि क्या मार्केट में वापस रैली आएगी। अदरवाइज तो सेल ऑन राइस का ही है अभी भी मार्केट। अभी ओवरसोल्ड जोन में गया था तो ऑब्वियसली मार्केट ने बाउंस बैक अच्छा खासा दे दिया है। अभी मंडे क्या होता है उसके ऊपर डिपेंड होगा कि मार्केट यहाँ से कहाँ जाए, राइट। बहुत बार मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया फेल हो गया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया फेल हो गया, लेकिन हर टाइम नीचे में सपोर्ट आ रहा है, यस। और लोअर लो अभी भी हुआ नहीं है। आज का लो बहुत ऑलमोस्ट नीचे आया था 700 के आसपास, राइट। 22,777 का लो किया है, 21,777, बट प्रीवियस लो नहीं ब्रेक किया है। सो डेफिनेटली अभी भी मार्केट वैसे तो हायर बॉटम ही है अभी भी, बट क्या मार्केट का करेक्शन कंप्लीट हुआ? जो हम बोल रहे थे कि करेक्शन आएगा फिर रैली आएगी, सो आई डोंट थिंक सो। अभी भी करेक्शन कुछ कंप्लीट हुआ है मार्केट में। ओके, तो देखो पहले इलियट व्यू पैटर्न आपको सीखना है तो ये बुक आप पढ़ लो, कंप्लीट बुक फ्री है। अगर आप ये बुक पे रजिस्टर करते हो तो आप इलियट व्यू के वेबसाइट पे आओगे। हमारे वेबसाइट पे एक कोर्स भी है इलेट वेव का, फ्री है, फ्री कोर्स है। और ये फ्री बुक का लिंक मेरे वेबसाइट पे शेयर किया है, आप यहाँ पे रजिस्टर करके आओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा बुक। देखो यहाँ पे बुक मिलेगा ये, और थोड़े बहुत आर्टिकल्स भी है उनके फ्री वाले, यस। कंप्लीट बुक है, आप सारे पैटर्न्स पढ़ लो इलेट वेव्स के, एंड एवरीथिंग इट इज देयर, फिबोनाची रिलेशनशिप, एवरीथिंग इज रिटन। मैं यही बुक से पढ़ा हुई इलेट वेव, सो डेफिनेटली यू कैन लर्न। हाँ, बट एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट ट्रेड करने मत जाओ, पहले एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाओ आप। मे बी आप ट्रेड मत करो, इन्वेस्ट करो, या फिर आप डेमो ट्रेड करो। क्योंकि देखो इलेट वेव कोई ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है, ट्रेडिंग सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। मैंने बहुत साल ट्रायल एंड एरर करके इलेट वेव में ट्रेडिंग सिस्टम बनाया, क्योंकि एंट्री कहाँ लेनी है, कौन से वेव, पहली शुरुआत तो वेव कौन सा ट्रेड करना है, एंट्री कैसे लेनी है, वेव को वैलिडेट कैसे करना है कि भाई हम जो वेव ट्रेड कर रहे हैं वो क्या सच में वो वेव है,
उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सब चीज आपको कहाँ पता चलेगी? मीन्स आप वेव इलियट वेव तो सीख जाओगे बुक से, लेकिन वेव को वैलिडेट कैसे करना है? हम जो सोच रहे हैं वो सच में मार्केट में वो वैसे बिहेव कर रहा है क्या? वो सब देखने के लिए आपको पूरा लर्निंग करना पड़ेगा, इलियट वेव का राइट ट्रेडिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। एंट्री स्टॉप लॉस और फिर कैसे राइड करना है, वेव वैलिडेट कैसे करना है, इनवैलिडेशन पॉइंट क्या होता है, और अगर इनवैलिड होता है तो अल्टरनेट व्यू कैसे ट्रेड करता है, ये सब चीज आपको सीखनी पड़ेगी खुद से ट्रायल एंड एरर करके, लॉसेस कर करके जैसे मैंने किया। और यू कैन लर्न फ्रॉम अस 1299 में। मैं ओनली इंडियन व्यू सिखा रहा हूँ, ये ओनली इंडियन व्यू का कोर्स है, रिकॉर्ड है। अगर प्राइस एक्शन सीखना है तो 786 में है। दोनों सीखना है तो इलेट व्यू प्राइस एक्शन दोनों रिकॉर्डेड कोर्स इन इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश है। यू कैन लर्न ओवर हियर एंड देर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि कब तक करना है, आप कभी भी कर सकते हो, इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। हाँ, लेकिन अगर आपको इंटरैक्टिव कोर्स चाहिए कि आपको सीखना है कि आपके क्वेश्चन आंसर, आपके वेव काउंट्स लर्निंग, तो मेंटरशिप बैच में मैं मेरा खुद का टाइम दे रहा हूँ, इसलिए मैं चार्ज ज्यादा करता हूँ। राइट, यहाँ पे भी मैं हूँ, यहाँ पे भी मैं हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं लाइव टाइम देता हूँ, मेरा यहाँ पे रिकॉर्डेड है। राइट, सो वॉट एवर, मेंटरशिप बैच तो अभी ये मंथ का फुल हो गया, अभी नेक्स्ट मंथ ही आना पड़ेगा, ये मंथ में तो एडमिशन है नहीं। सो थिंक पहले यहाँ पे सोच लो, पढ़ाई कर लो, फिर मेंटरशिप की सोच सकते हो आप। ओके, लेट्स नाउ डिस्कस के क्या हो रहा है। ओके, तो देखो वेव, देखो एनालिसिस और ट्रेडिंग में दो अलग अलग चीज है। हम वेव काउंट डालते हैं, क्या मार्केट वही वो सेम कर रहा है, क्या वैसे मार्केट रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या वैसे मार्केट बिहेव कर रहा है या कुछ अलग कर रहा है, तो फिर हम क्या देखो, तो कल तो मेरा बेरिश बायस था, नीचे का व्यू था, तो आज एक बार नीचे आ गया। ओके, तो नीचे आने के बाद मैंने क्या किया? पहला तो मेरा सेकंड कैंडल में एक शॉर्ट काट दिया। क्यों काट दिया? अरे यार, एक तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है सपोर्ट पे है, देखो ये सपोर्ट पे है, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में है, तो मैं बोला एक बार शॉर्ट काट देता हूँ, बाद में देखता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट काटा यहाँ पे TSL से, और फिर मैंने आई थिंक यहाँ पे वापस कुछ शॉर्ट किया था, वो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस। हाँ, वो मेरा यहाँ पे शॉर्ट किया था, वो स्टॉप लॉस हो गया। फिर मैंने लॉन्ग किया, क्यों लॉन्ग किया? तो बाउंस बैक। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ओवरसोल्ड में है, यहाँ पे 5 waves थोड़े कंप्लीट दिख रहे हैं, ये हाई से देखो 1 2 3 4 5 5 waves दिख रहे हैं कंप्लीट मुझे ये हाई से। और देखो ट्रेंड चैनल अगर मैं डालता हूँ तो ट्रेंड चैनल में वो मूव आया है और वो मूव कंप्लीट हुआ है चैनल ब्रेक करके। राइट, मार्केट ने उसको ब्रेक किया है, देखो यहाँ पे। राइट, तो ये ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो गया चैनल का, रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, तो एक बात तो पता चल गई थी, ये हाई से जो ये लो तक एक वेव तो कंप्लीट हो गई। यस, ये हाई से ये लो तक एक वेव तो कंप्लीट हो गई, और उसका अभी पुल बैक आ रहा है, अभी कहाँ तक जाएगा वो पता नहीं। तो मैंने क्या किया, देखो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है बेस बन रहा है, देखो यहाँ पे बेस बनते हुए रुका ये सपोर्ट। राइट, न्यू इतने बैड न्यूज के बाद भी मार्केट नीचे खुल के बेस बनाया, फिर ब्रेकआउट दिया। मैंने यहाँ पे कुछ लॉन्ग कर दिया ये कैंडल में, जब कंफर्म हुआ कि नहीं ऊपर ही जाना है तो यहाँ पे लॉन्ग किया और होल्ड किया। आई थिंक यहाँ पे एक बार मैंने काटा था कुछ, यहाँ पे एक बार मैंने काटा था क्योंकि ओवरबॉट जोन में गया था, देखो यहाँ पे ओवरबॉट जोन में गया था और ये रेजिस्टेंस जोन भी था, बट वापस ये कैंडल में मैंने लॉन्ग कर दिया। क्यों लॉन्ग किया मैंने? तो मुझे दिख रहा है कि भाई साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे साइडवेज गया, RSI नीचे आ गया और फिर ये वापस देखो ब्रेकआउट बन गया। तो ये कैंडल बनने के बाद सीधा मैंने नेक्स्ट कैंडल में क्या किया, ये कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ पे मैंने बाइंग स्टॉप लॉस लगा दी और वो आ गया मेरा, एंड आई हेल्ड ऑन टू द पोजीशन, एंड फाइनली जाके मैंने कुछ आई थिंक यहाँ पे एग्जिट किया, फिर उसके बाद ट्रेड नहीं किया। यहाँ पे एक बार की थी कोशिश बट वो मैंने काट दी पोजिशन। सो अभी कोई पोजिशन है नहीं। ओके, अभी पैटर्न क्या बन रहा है, ओवरऑल हाई से पैटर्न क्या बन रहा है? तो कल तो हम गिन रहे थे कि यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 या फिर ए और बी और फिर नीचे 3 जाना चाहिए, तो क्या ये ABC हो गया या व्हाट इज अल्टरनेट काउंट, कि यहाँ पे क्या ये थर्ड है, ये फोर्थ है और आज फिफ्थ कंप्लीट हो गया। पर्सनली मैं ये नहीं लेना चाहूंगा कि ये 1 2 फिर ये 3 और 4, क्योंकि दिस इज वेरी बिग फोर्थ वेव, सो आई वुड
नॉट टेक दिस एज 1 2 3 4, आई वुड स्टिक टू माई अर्लियर काउंट ओनली कि यहाँ पे 5 वेव्स है, देन आई विल रिव्यू कि क्या मार्केट कर रहा है नेक्स्ट वीक. सो नाउ 21,970 और रादर 22,000 इज अ इम्पोर्टेंट सपोर्ट. ये वाला सपोर्ट इम्पोर्टेंट है. 22,000 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट. जब तक उसके नीचे नहीं जाता मार्केट नीचे नहीं जाएगा. ओके, 22,000 के नीचे जब तक नहीं जाता मार्केट नीचे नहीं जाएगा. डिप आएगी तो मार्केट पुल बैक में, कितना पुल बैक दे सकता है तो ये देखो, ये जो कल का हाई है वो रेजिस्टेंस है अभी, राइट, वहां तक दे सकता है पुल बैक. सो कहाँ तक डिप आएगी? अगर 22,000 के ऊपर रही डिप और वापस मार्केट ऊपर जाता है तो चांसेस है वापस एक पुल बैक में मार्केट ऊपर जाएगा. अदरवाइज 22,000 ब्रेक करता है, 21,970 ब्रेक करता है, देन आई वुड लाइक टू ट्रेड शॉर्ट डाउन साइड के लिए. यस, अभी पता नहीं है क्या है. अभी देखो, अभी ये ट्रेंड चैनल में ऊपर जा रहा है, एक बार ट्रेंड चैनल ब्रेक कर देगा तो ट्रेंड थोड़ी बहुत माइनस में जाएगी, निगेटिव में जाएगी ट्रेंड, राइट. बट आइडियल ट्रेंड डाउन ट्रेंड कब रिज्यूम होगा? जब 22,000, ये जो स्विंग लो है 22,012 का, ये जो मेन ट्रेंड लाइन है, ये व्हाइट वाली ट्रेंड लाइन कौन सी है? तो ये वाली है. देखो, ये जो कल मैंने डू और डाई बुल्स डाला था, ये वाली ट्रेंड लाइन. तो ये ट्रेंड लाइन तोड़ के अगर मार्केट नीचे क्लोज देता है तो मार्केट डेफिनेटली वापस नीचे जाएगा. बट इतने जल्दी आई एम नॉट श्योर कि नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा. सो वी विल वेट ऑन मंडे के क्या कर रहा है. ऊपर गया तो ऑब्वियसली ऊपर में 22,330 तक जा सकता है ऊपर पुल बैक में. सेम विद बैंक निफ्टी. तो बैंक निफ्टी ने देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है और ओवरसोल्ड जोन में ऊपर आया है. देखो, बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड जोन से ऊपर आया है, राइट. यहाँ पे बैंक निफ्टी ने देखो सिंपल वापस अगर आप देखते हो तो ये एक बार ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद, ये ट्रेंड चैनल ब्रेक हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, उसके बाद मार्केट ऊपर गया. सिंपल बेस बना के देखो, बेस बना के मार्केट ऊपर गया. सिंपल बेस ट्रेडिंग करना है. देखो, ये एक बनी बे, फिर ये हायर बॉटम बना, वापस एक नया हाई आया, फिर हायर बॉटम बना. तो यहाँ पे तो मैं ले बाय करता ही हूँ यूजुअली. अगर सेकंड हायर बॉटम बना के वापस ऊपर ब्रेक कर रहा है मार्केट तो वो मार्केट ऊपर जाएगा, ये समझ में आता है. सिंपल डबल. देखो, बैड न्यूज के बाद, खराब न्यूज के बाद भी मार्केट ने खोलते ही पुल बैक दे दी, हायर बॉटम बनाया, वापस नया हाई बना के हायर बॉटम बनाया, वापस ऊपर जा रहा है तो वो मार्केट ऊपर जाएगा, चांसेस है. और रेजिस्टेंस भी ब्रेक किया था. सेम विथ फिन निफ्टी. फिन निफ्टी भी बहुत ज्यादा बाउंस बैक किया है, राइट. सो अभी एक दो दिन में कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट. अभी ये कैंडल ही इतनी बड़ी बनी है तो इसके अंदर इनसाइड कैंडल भी बन सकती है मार्केट की, या फिर ऊपर में ये रेजिस्टेंस रहेगा 21,400 फिन निफ्टी में. आईटी में क्या लग रहा है? आईटी में क्या बॉटम बन गया? तो मेरा व्यू तो आईटी का वही है कि पूरा ये जो करेक्शन है WXY अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मे बी एक लेग डाउन है अभी भी. सेम निफ्टी का भी वही 21,300 21,500 300 तक बाकी है एक लेग, बट शॉर्ट टर्म में बाउंस बैक हो सकता है. तो आईटी में भी शॉर्ट टर्म में बाउंस बैक हो सकता है यहाँ तक, एंड देन मे बी वी विल सी लोअर लेवल्स. बट एक बार मुझे लग रहा है आईटी नीचे आना चाहिए. पीएसयू बैंक माई व्यू इज बेरिश, क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म में एक पुल बैक आएगी बट ओवरऑल करेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ. सेम विथ मिड कैप स्मॉल कैप, करेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है. अभी भी मार्केट, अभी तो करेक्शन आया ही नहीं, आइडियली इसमें करेक्शन अभी आया ही नहीं है, राइट. पीएसई इंडेक्स, इट हैज टू करेक्ट. थोड़ा करेक्शन आना चाहिए पीएसई में, रियल इस्टेट में, ऑटो में, ओवरऑल करेक्शन आना चाहिए. डॉलर क्या लग रहा है? तो डॉलर देखो, डॉलर ऊपर जा रहा है. क्या ये शॉर्ट टर्म टॉप 12 बन गया? आई डोंट थिंक सो. तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है डॉलर थोड़ा और ऊपर जाएगा, यहाँ तक 108.9 तक जा सकता है. ये देखो, ये ट्रेंड चैनल है, ये ट्रेंड चैनल को हायर इंटरेस्ट करने यहाँ पे जाएगा. ओवरऑल ये ट्रेंड देखो, ये वेव 1 और 2 में ऊपर जा रहा है, अभी सेकेंड वेव में ऊपर जा रहा है तो यहाँ तक जा सकता है, 109 तक जा सकता है डॉलर, राइट. सो थोड़ा प्रेशर तो बना रहेगा मार्केट में, उसके वजह से डॉलर ऊपर जा रहा है, यील्ड्स भी ऊपर जा रहे हैं. आई थिंक आज यील्ड्स नीचे आ गए शायद. हाँ, आज यील्ड ओके नीचे आके वापस रिबाउंड कर रहे हैं. सो ये प्रेशर मेंटेन रहेगा डॉलर यील्ड का. कमोडिटीज भी देखते हैं, कमोडिटीज क्या लग रहे हैं. तो ऑयल नीचे आ गया तो हाँ, कमोडिटीज लग रहे हैं मुझे कि एक बार ऑयल में
बैक आएगी। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि 5 वेव्स कंप्लीट हो रहे तो पुल बैक आएगी ऑयल में, और कॉपर में क्या लग रहा है। तो कॉपर तो 52 वीक हाई पे है, राइट, इट इज एट 52 वीक हाई, बट आई थिंक यहाँ पे एक बार थोड़ी बहुत पुल बैक आनी चाहिए कॉपर में, गोल्ड में पुल बैक मोड में जाना चाहिए गोल्ड और ये ओवरऑल कमोडिटीज में। आई थिंक सो एक थोड़ा बहुत पुल बैक आना चाहिए शॉर्ट टर्म में। आई थिंक देयर विल बी अ पुल बैक इन गोल्ड, इवन सिल्वर, सिल्वर में भी पुल बैक लग रही है मुझे आते हुए दिख रही है शॉर्ट टर्म में, राइट, क्योंकि ओवरबॉट जोन में गया है। सम शॉर्ट टर्म पुल बैक माइट कम गोल्ड सिल्वर कमोडिटीज, राइट, स्टॉक्स भी देखते हैं कुछ कुछ अभी। चलो रिलायंस देखते हैं पहले, टाटा मोटर्स क्या लग रहा है। ओके टाटा मोटर्स क्या लग रहा है, क्या टाटा मोटर का करेक्शन कंप्लीट हुआ। हमने डिस्कस किया था कि टाटा मोटर करेक्शन मोड में जाएगा, फोर्थ वेव आ रही है, तो ये चैनल अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। आई डोंट थिंक सो करेक्शन कंप्लीट हुआ है। आप बोलोगे थोड़ा ही तो बचा है, बट लेट इट कंप्लीट द करेक्शन, राइट, उसके बाद सोचेंगे। सो वी विल वेट ये चैनल होल्ड का टेस्ट करने के लिए। SBI में क्या लग रहा है, क्या ये करेक्शन कंप्लीट हो गया। आज बुलिश कैंडल तो है, मे बी वी डोंट नो। तो सिंपल में क्या, सिंपल में एक टेक्निक सिखाता हूँ आपको। देखो ट्रेंड चैनल डाल, ये ट्रेंड चैनल, तो करेक्शन कब कंप्लीट होगा। ये ट्रेंड चैनल ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो करेक्शन कंप्लीट, जब तक वो नहीं होता यहाँ पे ये ट्रेंड चैनल में करेक्शन आते रहेगा। साइडवेज जा सकता है ना, इट कैन डू ABCX ABC, राइट, इट कैन डू WXY वॉट एवर। अभी ये क्या बना रहा है वो मैं अभी डिस्कस फिलहाल नहीं करूंगा इतना डीपली। रिलायंस में क्या लग रहा है, क्या रिलायंस में करेक्शन कंप्लीट हो गया। सो आई डोंट थिंक सो, राइट। ये देखो इसमें भी मुझे लग रहा है थोड़ा करेक्शन बाकी है। ICICI बैंक में आज ऊपर आ गया है, क्या करेक्शन कंप्लीट हुआ है। 1 2 3 4 5 ABC विद, आई डोंट थिंक सो, थोड़ा और करेक्शन बाकी है। एक्सिस बैंक में ओके लोअर बॉटम पे आ गया एक्सिस बैंक, मे बी एक्सिस बैंक में चांसेस हो सकते हैं करेक्शन कंप्लीशन के, राइट, बट वी विल वेट। ये देखो ये यहाँ पे लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे भी है एक्सिस बैंक, सो एक्सिस बैंक थोड़ा वेट करना पड़ेगा। HDFC बैंक आज 2 टक्का ऊपर है, तो ओके ग्रेट। सो आई थिंक HDFC बैंक में क्या व्यू कौन बन रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज नाउ अगेन 1 2 3 4 और 5th ऊपर जाएगी, राइट। तो शॉर्ट टर्म में 5 वेव्स बन रहे हैं HDFC बैंक में। राइट, कोटक बैंक में क्या बन रहा है। तो ये पुल बैक, इट्स जस्ट अ नॉर्मल पुल बैक। बजाज इज ऑल्सो, देखो बजाज में मुझे लग रहा है ई वेव अभी भी पेंडिंग है, हुआ नहीं है उसका कंप्लीट। और दोनों में बजाज फिनसो में क्या लग रहा है, सॉरी दिस इज फाइनेंस है किसी यार। तो क्या ये करेक्शन कंप्लीट होके ऊपर जा रहा है, मे बी चांसेस हो सकते हैं। एक्चुअली वी विल वेट। इन्फोसिस तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया आई थिंक। ये देखो इन्फोसिस में WX एंड Y, तो वाई वेव कहाँ तक आएगी, यहाँ तक, तो एक बाउंस बैक आ सकता है, देन वाई वेव कम डाउन। TCS में क्या ये बॉटम बन गया, इट्स डाइसी, अभी तो डाइसी है। LNT में, सो LNT इज इन फोर्थ वेव करेक्शन, LNT फोर्थ वेव करेक्शन में है अभी, बाकी है। आई थिंक ये एक बार ये लो टेस्ट करना है, तो शॉर्ट टर्म में मे बी पुल बैक आ सकती है, देन इट विल बाउंस गो डाउन, बट LIC हैज टू टेस्ट दिस, देन इट विल बॉटम आउट। ITC में क्या लग रहा है, तो ITC में भी वी विल वेट, करेक्शन कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है वो देखने के लिए हम लोग वेट करेंगे इन ITC। ओके सो वी विल सी नेक्स्ट वीक क्या होता है। ऑब्वियसली शायद थोड़ा पुल बैक आ ही सकता है अगर 22,000 होल्ड हुआ तो। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। आपको अगर सीखना है इलियट वेव तो डेफिनेटली यू कैन लर्न एट 1699। फिर मेंटरशिप बैच का नेक्स्ट मंथ सोच लो, अगर आपको इलियट वेव समझ आ रहा है कैसे ट्रेड करना है कैसे वेव्स बनानी है, देन यू कैन थिंक ऑफ मेंटरशिप। अभी आप ये कर लो, आई वुड सजेस्ट, राइट।
So that's it from today's update. Keep loving, keep sharing, keep learning, keep earning with us. This is Harsh Dixit signing off until we meet again.